वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दो तीन दिन हो गया है और हमारे यहाँ चल रही है पेंटिंग, तो उसके वजह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाया है। दो तीन दिन के बाद आज भी शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और देखना मेरे घर की पेंटिंग हो गई है कैसा है, शुरू से लेकर एंड तक मैंने वीडियो बनाया है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी कमरे की पूरा छिलाई हो गई है अच्छे से, पूरा जो पहले वाला पेंट लगा है उसको अच्छे से पूरा निकाल दिया है। और देखिए जब पूरा अच्छे से निकल जाता है उसी के बाद फिर पेंटिंग हुई है, और पेंटिंग होती है तो इतना काम होता है। तो देखिए अभी उसके बाद एक रेसिपी भी शेयर की है। तो दो तीन बज गया था दिन के, शाम का टाइम हो गया है दोपहर का, तो हल्का फुल्का नाश्ता बनाते हैं। तो देखिए सूजी और दही मैंने 10-15 मिनट पहले फुला कर रख दिया था, और उसमें ये टमाटर प्याज हरी धनिया मिर्च ये डाल कर रख देंगे थोड़ा हल्का सा, और इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हल्का फुल्का नाश्ता है। और देखिए एक मैंने गाजर भी डाल दी है, गाजर अच्छी हेल्दी होती है और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। तो दो तीन बज गया था तो भूख लग गई थी, तो चलो हमने कहा नाश्ता बना लेते हैं। तो सूजी और दही का ये हेल्दी नाश्ता बड़ा जल्दी से ही बन जाता है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए मैंने इसमें गाजर भी मिला दी हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, बस हल्का सा मैंने मीठा सोडा डाला था। और ये देखिए मैंने इडली के स्टैंड ले लिए हैं, तो इसमें जल्दी से बन जाता है, 10 मिनट ही लगते हैं और जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। तो काम का टाइम है, अभी जल्दी से मैंने ये बना लिया है। तो देखिए इसमें आधी चम्मच मैंने मीठा सोडा डाल दिया है, सोडे से एक सूजी का एकदम सॉफ्ट नाश्ता बन के तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से इसको बिल्कुल मिला देना है ताकि ये बैटर थोड़ा हल्का हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है, उसके बाद इडली के स्टैंड में भरेंगे। तो थोड़ा बहुत गाढ़ा सा लग रहा है क्योंकि फूलने के बाद ये सूजी भी है ना, तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो और देखिए मैंने इसमें स्टैंड में भर देंगे, तो इसको ज़्यादा एक साथ देखिए कितने सारे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर इडली का स्टैंड नहीं होता है तो छोटी छोटी कटोरी होती हैं तो उनमें भर करके रख सकते हैं, जल्दी से बन जाता है। और देखिए एक भगोनी मैंने पानी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें एक स्टैंड रखेंगे। और जो देखिए इडली का मैंने भर के रखा है तो ये बड़ी आसानी से रखना है क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है, और किसी अच्छे हिस्से से ढकना है ताकि इसका भाप ना निकले, और 10 मिनट के बाद इतने जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और देखिए मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है, और इसे मैंने चेक कर लिया है क्योंकि जब चेक करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा होता है, तो समझ लीजिए बन के रेडी हो गया है। और तब तक मैं ठंडा हो रहा है उसके बाद चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने मूँगफली की चटनी बनाई है, तो हरी धनिया और 4-5 हरी मिर्च डाल दी हैं, और एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे, और एक करी पत्ते लिए हैं तो थोड़े करी पत्ते डाल देंगे। और मूंगफली की चटनी है तो मूंगफली के दाने को अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया था, उसके बाद ही डाला है, छीला नहीं है, इसे ऐसे ही डाल दिया है। बिल्कुल वाइट हरी धनिया डली है तो हरी हरी चटनी बन के तैयार होगी। और ये देखिए मैंने 2-3 चम्मच इसमें दही डाल दिया है, दही से मूँगफली में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो आप इसमें धनिया नींबू भी डाल सकते हैं। और देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया है, और उसके बाद और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए मूंगफली की चटनी बन के रेडी हो गई है, और देखिए हल्का फुल्का नाश्ता दिन में जल्दी से बन जाता है, इसको टाइम भी नहीं लगता है, और बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। तो इसमें अच्छे से मैंने तड़का लगाने के लिए देखिए सरसों का तेल गर्म कर लिया है, और इसमें कड़ी पत्ते सरसों और डाल दी है, और एक लाल मिर्च डाल दी है, और इसी को उतार करके ही डालते हैं, नहीं तो ज़्यादा जल जाता है तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल तेज गरम कर लें, उसके बाद नीचे उतार कर ही डाल दें। तो देखिए मेरा बन के तैयार हो गई है चटनी, और नाश्ता वो इडली के नाश्ता सूजी का भी ठंडा हो जाएगा, जब पूरा ठंडा हो जाता है तभी निकालते हैं। तो ये देखिए मेरी मूँगफली की चटनी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, चलिए अब निकालते हैं। और देखिए मैंने जी ठंडा हो गया था सारा, तो इसमें स्टैंड से निकाल लिया है क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं उसके बाद ही निकालते हैं। और इसमें मैंने हरी मिर्च को फ्राई किया था, तो थोड़ा मिर्च आप लोगों को दिख रही होगी क्योंकि और चटपटा बन जाएगा, इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी। और तो देखिए सरसों और करी पत्ते डाल दिया है, और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़े हल्के मसाले भी डाल देंगे ताकि अच्छे मसाला वाला नाश्ता बन के तैयार हो गया। और देखिए मैंने इसके लिए थोड़ा सा लाल
लाल मिर्च आती है जो कश्मीरी, तो डाल दिया, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए कलर एकदम चेंज हो जाएगा। और देखिए इस तरह से चाहें तो बच्चे हो तो ऐसे ही सादा खा सकते हैं, लेकिन इसको मैंने सम्राट विराट के लिए अलग से निकाल के रख दिए हैं और थोड़ा ही फ्राई कर ली हैं, क्योंकि फ्राई करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, इस तरह से फ्राई वाली इडली बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने इसमें अभी थोड़ा हल्का सा मसाले, इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, और कोई कोई खटाई रहती है वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देंगे, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। चाट मसाला भी ख़त्म हो गया है, नहीं तो इसमें चाट मसाले से बढ़िया से अच्छा टेस्ट आता है, और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस इसमें चाट मसाला डाल दी। और देखिए मेरे पास ये नमक है, ये मसाला वाला नमक है, तो थोड़ा सा ही डाल देंगे, क्योंकि नमक उसमें भी डाला था, तो बिल्कुल हल्का सा ही डालेंगे ताकि मसाले में अच्छे से कोट हो जाए। और देखिए कितनी अच्छी, कलर भी चेंज हो गया है, और देखिए मेरा सूजी का नाश्ता भी बन के रेडी हो गया है, और चाय भी बन गई थी, तो देखिए सूजी का हल्का फुल्का नाश्ता जल्दी से बन के हो गया है रेडी, क्योंकि अभी काम चल रहा है तो अभी दिन में ज़्यादा कुछ बना नहीं पाते हैं, तो जल्दी से यही बना लिया है। उसके बाद देखिए अभी बहुत जब पेंटिंग का काम होता है तो और ज़्यादा इतना फैला पड़ा हुआ है पूरा सामान। तो देखिए विराट और सम्राट, देखिए सम्राट तो चेक करने लगे हैं, यही मसाले वाली इडली अभी खाएंगे तो। और इन लोगों के लिए देखिए सादा वाली लाए थे, तो विराट वही खा रहे हैं, और ये सम्राट के चाचू हैं तो ये भी बैठे हैं। देखिए अभी पेंटिंग हुई नहीं है, पूरा दिख ही रहा है आप लोगों को इतना पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है, देखिए हो रही है, तो सब जगह पुटीन लगा दी है। पुटीन होने के बाद फिर कलर करते हैं, तो ये देखिए बाथरूम में भी पूरा छिलाई उलाई हो गई है, और ये देखिए ये हो रहा है पेंट। ये देखिए पहले आगे वाले कमरे का है ये, तो क्रीम कलर और पर्पल कलर, देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था तो यही करवाया है। तो पूरे में अभी पहले सामान फैला हुआ, उसके बाद धुलाई होगी, तो इसी वजह से 2-3 दिन हो गया है कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, सारा दिन काम ही में निकल जाता है। आज भी पूरा सामान सेट करना है, पर टाइम निकाल के वीडियो आप लोगों के, तो चलो 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डल पाया है। तो देखिए पूरा पेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों। और ये देखिए शाम की टाइम ये चल रही है धुलाई, पेंट हो गया था तो शाम को देखिए विराट पूरा बेड खोल के, क्योंकि बेड के नीचे ही पानी पूरा भर जाता है, तो देखिए ये चल रही है सफाई। और सम्राट विराट बहुत ही, इन लोगों ने बहुत काम करवाया है, देखिए दोनों लगे साफ करने में, इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए सम्राट किस तरह है, लगे हैं, और विराट देखिए वाइपर चला रहे हैं, ये दोनों बीच बीच में इतना काम करते हैं, और शैतान भी करेंगे काम भी, क्योंकि पूरा दिन ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते, ऐसे लगता है जैसे यही पुताई कर रहे हों, पेंट कर रहे हों पूरा। देखिए पूरा फैला, और लगे हैं हम धुलवाने के लिए साथ में, क्योंकि पानी से तो और अच्छा लगता है इन लोगों को।
देखिए कितनी अच्छी सफाई चल रही है। हम चलो नहाते हैं अपन लोग, अभी भी नहाना और खेलना। तो ये देखिए सम्राट विराट ने कितना मस्ती की है और सफाई की है, बहुत भी नहाया है। और तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो। तो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।